The question given is a man sells two houses for ₹536,850 each. On one he gains 5% and on the other he loses 5%. Find his gain or loss percent on the whole transaction. तो अगर हम केस वन देखते हैं तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो है 536,850 और गेन परसेंट जो है ये है 5%। तो ये हो जाएगा, हमें पता है 5% इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो 5/100 इज इक्वल टू 536,850 और इसके कॉस्ट प्राइस को हम एक्स कंसिडर करते हैं, हमें एक्स फाइंड करना है। तो माइनस एक्स अपॉन एक्स हो गया, तो ये 20 टाइम्स हो गया। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 20 × 5, 36,850 माइनस और 20x, दैट इज 21x हो जाएगा 20 × 5, 36,850 के इक्वल। तो x आ गया 20 × 5, 36,850 डिवाइडेड बाई 21। इसको अगर 3 से डिवाइड करते तो 7 टाइम्स हो गया एंड 5, 36, 850 डिवाइडेड बाई 3 तो हो गया 178,950। और ये 7 से डिविजिबल नहीं है तो 178,950 ठीक है इंटू 20, ये हो गया एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3579000 डिवाइडेड बाई 7। तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया। सिमिलरली अगर केस टू देखते हैं तो इसमें जो सेलिंग प्राइस गिवन है दैट इज 536,850 और इसमें जो लॉस परसेंट है दैट इज 5% और इसका कॉस्ट प्राइस को हम वाई मान लेते हैं। तो इसमें लॉस परसेंट होगा 5 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, दैट इज 1/20 इज इक्वल टू वाई माइनस 536,850 डिवाइडेड बाई वाई, दैट इज वाई इज इक्वल टू 20y माइनस 20 × 5, 36,850। दैट मीन्स 20 × 5, 36,850 इज इक्वल टू 19y, बट 536,850 डिवाइडेड बाई 19 कोई हमें होल वैल्यू मिलेगी नहीं, तो y की वैल्यू हो जाएगी 20 × 5, 36,850 है ठीक है। तो ये हो जाएगा 10737000 डिवाइडेड बाई 19 ठीक है। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 10737000 डिवाइडेड बाई 19 प्लस ये हो जाएगा 3579000 डिवाइडेड बाई 7, दैट इज इसको एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 751590 प्लस ये हो जाएगा 3579000 इंटू 19 दैट इज 68001000 डिवाइडेड बाई 7 × 19। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं 751590 से तो ये हमें मिल जाएगा 14316 12340/7 19 × 7। तो ये देखिए 19 से डिविजिबल नहीं है तो 14316 4 × 0 डिवाइडेड बाई 7 ये भी डिविजिबल नहीं है तो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया दैट इज 14316 1234 ठीक है और 19 × 7 दैट इज 133 तो ये हो गया 14316 1234/133 ये आ गया। अब हमसे कहा गया कि इसका टोटल सेलिंग प्राइस ये है 536,850 × 2 दैट इज 107,370 ठीक है। अगर हम देखते हैं 14316 1234 डिवाइडेड बाई 133 तो ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है 107,639,0.977। मतलब इसमें कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस तो इसमें लॉस होगा और वो लॉस परसेंट अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस दैट इज 107,639,0.977 ठीक है माइनस 107,370 होल अपॉन 107,639,0.977 इंटू 100 ठीक है। तो माइनस करते हैं 107,370 डिवाइड अगर हम देखें 107,639,0.977
390.977 माइनस 1073, यहाँ पे आएगा 700, ठीक है, तो दैट इज 0.25%. सो दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर.